हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे कि आपकी शादी से शादी फ़ोटो भी एकदम चमकदार लगने लगेगी। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है AI फ़ोटो मेकर, या फिर इसे हम इसे AI जनरेटर भी कह सकते हैं, जिसे कि आप शादी से शादी फ़ोटो को भी एकदम तड़कता भड़कता बना सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है फायरफ्लाई अडोब AI। जी हाँ दोस्तों, इस AI की मदद से हम किसी भी फ़ोटो को किसी भी प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर तुम्हारे कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास बहुत ही कम कपड़े हैं तो इस ऐप से आप नए नए कपड़े लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करे तो चलिए इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेके इसे कैसे यूज़ करते हैं जान लेते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल एप्लीकेशन में गूगल ऐप ओपन कर लीजिए। इस गूगल ऐप सर्च बार में फायरफ्लाई अडोब AI इसे सर्च कर लीजिए। दोस्तों, फायरफ्लाई अडोब फोटो AI पर क्लिक करने के बाद आप इसके वेबसाइट पर चले जाएंगे। इस वेबसाइट पे आपको सबसे पहले नंबर पे जो दिखाई दे रहा है फायरफ्लाई जनरेटर AI, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसके वेबसाइट पर चले जाएंगे। इसके वेबसाइट पर चले जाने के बाद सबसे पहले आपको एक्सप्लोर फायरफ्लाई बीटा इसके ऊपर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, इसमें कि सबसे पहले आपको साइन इन में क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं। दोस्तों, इसमें हम 3 प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक, गूगल या फिर एप्पल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो इससे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं फेसबुक से लॉगिन कर लेता हूँ। इसमें मैं फेसबुक से लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें कि आपको 2nd नंबर पर जनरेटिव फाइल इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू कर लेना है। इसके बाद आपको इस फ़ोटो को बहुत ध्यान से सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ आपको इस प्रकार से धीरे 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 करके इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, आपको भी कुछ इस प्रकार से अपनी फ़ोटो को धीरे धीरे करके सेलेक्ट कर लेना है। इस फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे दिए सर्च बार में आपको जो कुछ भी चाहिए उसको सेलेक्ट करके सर्च कर लेना है। यहाँ पर मैंने कोड को सेलेक्ट कर जनरेट पर क्लिक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस जनरेट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इंतज़ार करने के बाद आपको इस प्रकार से AI कुछ फ़ोटो बना कर दे देगा जो कि एकदम बेहतरीन दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, आप इस प्रकार से फ़ोटो को बना सकते हैं AI की मदद से। और दोस्तों, इसमें आप बैकग्राउंड भी सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर जाना होगा। तो चलिए बैकग्राउंड को कैसे सेलेक्ट करते हैं जान लेंगे। सबसे पहले आपको इस फ़ोटो को कीप के ऊपर सेलेक्ट करके नेक्स्ट में जाना है। जैसे ही आप इस फ़ोटो को कीप के ऊपर क्लिक करते हैं आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। सर्च बार में चेयर को सेलेक्ट करके जनरेट के ऊपर क्लिक कर दिया है। 2 मिनट का इंतज़ार करने के बाद इस प्रकार से आपको AI बेहतरीन फ़ोटो जनरेट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी फ़ोटो को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं और इसी फ़ोटो को इंस्टाग्राम, फेसबुक या पर सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।